पिछले कुछ दिनों से चर्चा है कि अजीत पवार गुट के नेता छगन भुजबल काफी नाराज चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद भुजबल के हाथ से राज्यसभा जाने का मौका निकल गया। कल तक चर्चा थी कि वह ठाकरे गुट में शामिल होंगे। हालांकि संजय राउत ने और उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया कि छगन भुजबल हमारे संपर्क में बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए ऐसी सुगबुगाहट थी कि छगन भुजबल अब शरद पवार खेमे में लौट आएंगे। इन घटनाक्रमों की पृष्ठभूमि में शरद पवार ने भुजबल की घर वापसी की अटकलों पर टिप्पणी की। वह गुरुवार को बारामती में मीडिया से बात कर रहे थे। इसी दौरान शरद पवार से भुजबल के बारे में पूछा गया। ऐसा लगता है कि आपके पुराने साथी छगन भुजबल को अब पछतावा हो रहा है, उन्हें वापसी के संकेत मिल रहे हैं। पवार से पूछा गया कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। शरद पवार ने एक वाक्य में जवाब दिया, हमें कुछ नहीं पता। छगन भुजबल ने हाल ही में कहा था कि मैं एनसीपी के साथ हूं। पवार से पूछा गया कि छगन के बयान का क्या मतलब हो सकता है। शरद पवार ने कहा कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला या नहीं कहा जा सकता, इसके पीछे क्या पृष्ठभूमि थी। वह और मैं 1 साल और 6 महीने से नहीं मिले हैं। शरद पवार ने बताया कि हमसे संपर्क तक नहीं किया गया है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि छगन भुजबल शिवसेना यूपीटी में शामिल होंगे। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं किसी पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा और किसी नेता से नहीं मिला हूं। उन्होंने संकेतात्मक बयान देते हुए कहा कि मैं दादा के साथ नहीं बल्कि एनसीपी के साथ हूं। अब इससे महाराष्ट्र की राजनीति में पूरी तरीके से चर्चा इस बात की हो रही है कि शरद पवार से अब छगन भुजबल हाथ मिला सकते हैं, और ऐसा होता है तो अजीत पवार की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि उनको मंत्री पद ना मिलने से, यानी अजीत पवार के गुट को मंत्री पद ना मिलने से अजीत पवार नाराज चल रहे हैं, और राज्यसभा छगन भुजबल जाना चाहते थे लेकिन उनकी पत्नी को राज्यसभा एनसीपी अजीत पवार गुट की तरफ से भेजा गया। अब देखना दिलचस्प होगा कि छगन भुजबल क्या वाकई में शरद पवार के साथ जाना चाहते हैं और क्या हाथ मिलाते हुए नजर आएंगे। संकेत तो यही कह रहे हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट नाइन पॉलिटिकल बाइट।